हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। अभी बज चुके हैं दोस्तों 12। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते पोलैंड एंड नॉर्वे। तो दोस्तों आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जो है नॉर्वे के बारे में। नॉर्वे में जॉब कैसे पा सकते हैं और टॉप जॉब क्या हैं, किस चीज़ में ज़्यादा करके वैकेंसी होती हैं, और आपको अनस्किल जॉब के बारे में बताऊंगा। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सब लोगों को नमस्कार। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा अनस्किल जॉब में नॉर्वे में कौन कौन सी जॉब और आप कैसे ढूंढ सकते हैं फ्री एंड बगैर एजेंट के। तो इसमें कोई एजेंट का नहीं है रोल, और आपका इसमें कोई इंग्लिश और ये इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कोई सी भी जॉब नॉर्वे में। तो दोस्तों आज मैंने काफ़ी दिन के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना हम आप लोगों को कुछ ढूंढ के बताएं नॉर्वे के जॉब कैसे ढूंढे जाते हैं। तो कुछ मैंने सेलेक्ट किए हैं जिसमें जॉब मिल जाती हैं। तो सारी जॉब की जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आपको, तो आप उसमें जाके सर्च कर सकते हैं जो जो भी जॉब। तो इसमें टॉप जॉब रहती हैं दोस्तों, इधर जो नॉर्वे की टॉप जॉब हैं, सबसे पहली जॉब है दोस्तों इधर जो है नॉर्वे हब है ऑयल का, मतलब यूरोप में जो भी है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन यूरोप में जो है ऑयल ज़्यादा इधर नॉर्वे में निकलता है। तो नॉर्वे में टेक्निकल इंजीनियर और जो ऑयल में काम करते हैं तो वो लोग इधर अप्लाई कर सकते हैं जो टॉप। और अनस्किल में बोल दिया जाए दोस्तों, और स्किल में एक और है जैसे शेफ ऐप हैं, शेफ कुक की जॉब भी मिलती हैं इधर, लेकिन अभी जो है सीजन थोड़ा वो चल रहा है और यूक्रेन की वजह से मार्केट थोड़ा डाउन हुआ है, तो इधर जॉब जो है बहुत ही कम मात्रा में है। तो अभी सीजन स्टार्ट होने वाला है एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर में सीजन स्टार्ट होने वाला जैसे पैकिंग जॉब, वेयर हाउस का, तो ये है जॉब मिल जाएगा आपको। तो उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा जो है स्पेशल अनस्किल जॉब। इधर जो है अभी 2 महीने बाद इधर सीजन स्टार्ट होने वाला है एग्रीकल्चर का, तो मैं आपको बताऊंगा जो है अनस्किल जॉब कैसे ढूंढते हैं और फ्री, और इसमें कोई एजेंट का रोल नहीं है, इसमें आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं अगर से मिल गई। और इसमें सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी आपको 2 से 2.5 लाख रुपए कट के आपको 1.5 लाख या 2 लाख के हाथ में आ जाएगी। और कोई कोई कंपनी जो है अकोमोडेशन देती है, लेकिन इधर खाना नहीं मिलेगा, और कोई कंपनी जो है अकोमोडेशन नहीं देती, जैसे मैं हूँ अभी। मैं ग्राउंड से पूरी रिपोर्ट दे रहा हूँ दोस्तों। इधर क्या है कि काफ़ी लोग बना रखे हैं वीडियो नॉर्वे के लिए, जॉब के लिए, लेकिन चूतिया बनाते हैं कि इतना सैलरी है, 2 लाख है, 4 लाख है, 6 लाख है, वैसा है नहीं है। इधर जो है 34% टैक्स कटता है आपको, अगर से सपोज करो 3,000, इधर बेसिक सैलरी जो है 3,400 यूरो बेसिक सैलरी है आपकी इधर, उसमें से जो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की 3,400 यूरो जो बेसिक सैलरी है, और उसमें से आपको कट के हाथ में 2,700 2,800 ऐसा मिल जाती है। तो इतनी 2,800 तक ऐसी मिल जाती है सैलरी आपको। दोस्तों ध्यान रखें किसी के बहकावे में ना आए, और इधर जॉब मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। आप इन वेबसाइट में ट्राई करेंगे तो ज़रूर, और मैंने इन वेबसाइट में ही ट्राई किया था, और इधर का जो ऑफ़र लेटर होता है मैं दूसरी वीडियो में बना के डालूँगा, और मुझे कैसे जॉब मिली वो सारा बताऊँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में नॉर्वे का। तो दोस्तों ये हो गई आपकी जॉब, और इधर जॉब मिलना, और इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि ये कंट्री में जो है पोलैंड की तरह नहीं है कि पोलैंड में इंग्लिश के लिए बहुत मारा मारी होती है, इंग्लिश किसी को आते ही नहीं है,
लेकिन इधर बूढ़ा हो या बच्चा हो, इधर इंग्लिश सब लोग जानते हैं। और ये एक तरह से इमिग्रेंट करके बनी है ये नॉर्वे जो है पहले डेनमार्क के अंडर में था, इसको डेनमार्क ने राज किया, इसके बाद में ये मतलब इसको गुलाम था ये। इसमें 17 मई को इधर इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, जो 17 मई को ये आज़ाद हुआ था। तो पहले डेनमार्क ने इसको कैप्चर किया था, फिर इसके बाद स्वीडन ने कैप्चर किया, फिर बाद में ये आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद ये इसको इसके पास कुछ नहीं था, फिर अचानक से इसको ऑयल का एक जखीरा मिल गया, मतलब ऑयल जहाँ निकलता है, तो उधर से इसकी स्पीड बढ़ गई, इकोनॉमी ग्रो होने लगी। तो दोस्तों इधर मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो नॉर्वे में आके वीडियो बनाते हैं, और कुछ लोग तो घर ही से बैठ के बनाते हैं इंडिया से ही, और लोगों को चूतिया बनाते हैं, कहीं कवर लेटर और सीवी उनके चक्कर में न आए। दोस्तों अगर से जिसको बनवाना है इंटरनेशनल सीवी जो नॉर्वे में लगती है और यूरोपियन कंट्री में जैसे पोलैंड में और जो सारी हैं इंटरनेशनल सीवियां, तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें हमारे इंस्टाग्राम से, हम कम से कम प्राइस में आपको और इधर की इंफॉर्मेशन भी देंगे। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम आईडी और हमारा जो भी है इन्फॉर्मेशन आप उनसे ले सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी डाल देंगे, फेसबुक आईडी डाल देंगे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, और हमसे कवर लेटर सीवी बनवा सकते हैं जो इंटरनेशनल लेवल में बनाई जाती हैं। और एजेंट लोग जो हैं चूतिया बनाते हैं, कुछ नहीं करते ये लोग, ऐसे ही नॉर्मल पेपर बना के दे देते हैं जो अनवेलेबल, सिर्फ वो पैसे लूटने के लिए हैं। दोस्तों तो मैं यही बोलूँगा आप लोगों को कि आप देख सकते हो ये है, ये अभी आज मैं गार्डन में हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ये सीनरी। तो दोस्तों आज बताऊंगा आज कैसे कैसे मैंने बताया, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही बताऊंगा, और मैं देसी स्टाइल में बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं भी काम करता हूँ उनकी तरह, और बहुत से लोग जो वीडियो बनाते हैं अपने ऑफिस में बैठ के या कहीं भी या घर में, उनको कुछ नॉलेज नहीं रहता कौन कौन सी जॉब है कौन सी नहीं है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन बटन दबाएं, और ऐसे ही न्यू इन्फॉर्मेशन नॉर्वे के बारे में, जॉब के बारे में और सैलरी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन लेते रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।